नैनीताल में बीती रात बारातियों को बारात ले जाना महंगा पड़ गया। जी हां, उच्चतम न्यायालय द्वारा रात 10 बजे के बाद शादी में बैंड बजाना नैनीताल में बारातियों को भारी पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में बैंड स्वामी और बारात निकाल रहे व्यक्ति का 15,000 रुपए का चालान कर दिया है। तलीताल थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते दिन करीब 11 बजे उन्हें सूचना मिली कि तलीताल धर्मशाला से सिटीजन होटल की ओर एक बारात बैंड बाजा बजाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करते हुए डांस कर धूम धड़ाके से जा रही है। इससे आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सूचना पर थाना तलीताल पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बैंड स्वामी और बारात के मुखिया से 15,000 रुपए का चालान कर लिया। वहीं नैनीताल में चोरी के मामले आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन सरोवर नगरी से एक चोरी का मामला सामने आया है। यूं तो चोरी करने के कई तरीके चोर अपनाते ही रहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जहां चोर चोरी करना भी चाहता हो और चोरी को छुपाना भी चाहता हो। जी हां, नैनीताल से एक ऐसा ही सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां एक युवक ने कुछ ऐसा कारनामा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला पुलिसकर्मी का दुकान के बाहर छूटा हुआ पर्स युवक ने अपनी जैकेट डालकर पहले उसे ढकने की कोशिश की और फिर बड़ी ही आसानी से उठा लिया, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस इस अज्ञात चोर की खोजबीन में जुटी हुई है।